सुन यहाँ पे तुम लोग सुन, तुम लोग को जो मोल कंसेप्ट वाला चैप्टर है एक्चुअली मोल हट गया, ठीक है, मोल हट गया तो बचा क्या स्टोइकियोमेट्री वाला पार्ट। स्टोइकियोमेट्री में तुमको क्या करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है। तुम लोग अगर देखोगे, तुम लोग देख रहे हैं पहला चीज लिख रहा है वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी। लास्ट बार बोलने बदमाशी मत करो। इंपेरिकल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, वो चीज हम बताएंगे। यहाँ पे अगर हम ऐसे करके लिखते हैं C6H12O6, ठीक है, तो तुम लोग को सबको पता है ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर जो होता है बस वही निकालना है। तो भैया आप इसमें कॉमन फैक्टर निकाल दीजिए, क्या है ठीक, तो क्या आ गया CH2। तो तेरे सामने यहाँ पे दो चीज पड़ा हुआ है, मॉलिकुलर फॉर्मूला और यहाँ पे ये क्या पड़ा हुआ है बताओ, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो कोई भी चीज का जो सिंपलेस्ट होल नंबर वाला फॉर्मूला आ रहा है वही उसका क्या कहलाता है, इंपेरिकल फॉर्मूला। खत्म हो गया कहानी। अब यही चीज हम तुमको सिखाएंगे कि कैसे आप इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो और उससे कैसे आप मॉलिकुलर फॉर्मूला निकाल सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए तुमको हम पहले सीधे सीधे क्वेश्चन पे ले जाते हैं और क्वेश्चन ही बनवा देते हैं, ठीक है, क्या बनवा देते हैं, क्वेश्चन। सबसे पहला काम जो करना है, हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला से पीछे चलेंगे, तो सबसे पहला आज हम लोग क्वेश्चन बनाने वाले वो क्या चीज के ऊपर बनाने वाले, इंपेरिकल फॉर्मूला। तुम लोग को सबसे पहला लाइन इसमें लिखना क्या है, तुम लोग को भी पता है, रेशियो ऑफ रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, ठीक है। क्वेश्चन क्या है वो देखने के बाद तुम लोग क्या करोगे, रेशियो ऑफ रिलेटिव नंबर ऑफ क्या लिखेंगे, एटम। तब बच्चा ध्यान से देखना करना क्या पड़ता है। तुम लोग मान लो ये क्वेश्चन ये आना ही आना है, ठीक है, कंपलसरी वाले बोल रहे हैं, तुम लोग को इसमें मार्क्स उठाना है ना कि इसको छोड़ के आना है। तो क्या लिखे हम यहाँ पे, रेशियो ऑफ रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। अभी हम लोग क्या बनाएंगे आज, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो देखो इस पे एक क्वेश्चन उठाते हैं तुम्हारे ही बुक से और फिर हम एक क्वेश्चन बनाएंगे बोर्ड का, ठीक है, 2019 का जो बोर्ड का क्वेश्चन आया था वो बना। सुन यहाँ पे दिया है, सुनना मेरा क्वेश्चन, अ कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सबसे पहला चीज यहाँ पे देखो, क्वेश्चन हम कितने तरीके से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बोला है कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कौन कौन सा कंपाउंड बताया, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तुम यहाँ पे रेशियो लिखे तो यहाँ पे रेशियो आ गया, क्या आ गया, रेशियो। तो तुम लोग को यहाँ पे लिखना है एकदम सेम इसी तरीके से लिखोगे, टेबुलर फॉर्म भी बताया गया लेकिन मत करना है, ऐसे ही करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके बाद कुछ क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है, जहाँ पे चेंजेस कर देते हैं। तुमको दो चीज में डिफरेंस पता होगा, एक बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक बुलाते हैं हाइड्रोकार्बन। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बुलाते हैं और एक क्या बुलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये है, ठीक है, जब कार्बन हाइड्रोजन और कोई दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट रहता है, एक से ज्यादा भी रह सकता है, उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, ऑर्गेनिक, नॉन मेटल रहेगा, ठीक है। और जब सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा तो उसको क्या बुलाएंगे, हाइड्रोकार्बन। हम बोलते हैं क्या कि एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें है 80% ऑक्सीजन एंड फिर बाद बाकी डाटा दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया एक कार्बन है तो दूसरा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ ध्यान देना, कार्बन और हाइड्रोजन जो है तो यहाँ पे हम सिर्फ तुमको क्या बोले, कार्बन बोले, तो कार्बन अगर 80% है तो ऑब्वियस सा बात है 100% होता है तो हाइड्रोजन कितना आ गया। बहुत बार डाटा इनकम्प्लीट देता है, इनकम्प्लीट नहीं दे रहा है, वो क्या कर दिया, तुमको निकालना था कि अगर 80% हाइड्रोजन है तो कार्बन है तो तुम्हारा 20% क्या होगा, हाइड्रोजन। तो कंफ्यूज मत कर जाना, ठीक है ना। तो मान लो अगर तुमको दे देता तो 100 में माइनस कर देता, कुछ भी डाटा दे 100 में माइनस करके वो आ गया हाइड्रोजन, तब जब हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, ठीक है। अदर एलिमेंट बोल देगा कार्बन हाइड्रोजन एंड एनी अदर एलिमेंट है, तब इन दोनों को जोड़ के 100 से क्या कर देगा, अदर एलिमेंट के लिए माइनस। एक वो क्वेश्चन में चेंज ला सकता, और कुछ क्वेश्चन इस पार्ट में नहीं आने वाला, हो गया ये खत्म, ऐसा इसमें और कोई क्वेश्चन तुमको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे आता है क्या देगा इसका, हमेशा परसेंटेज उसको देना ही पड़ेगा। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, जो परसेंटेज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 40%, फिर इसका कितना दिया हुआ है 6.70। अब मान लो ऑक्सीजन का नहीं देता, क्या करता तुम लोग भैया, ये दोनों को जोड़ के उसको माइनस कर देते, ठीक है, तो ये कितना आ गया, 53.3 आ गया। अब पहला स्टेप, ठीक है, हम साथ में यहाँ पे तुम्हारा क्या करते हैं, फॉर्मूला भी लिखते जाते हैं। फॉर्मूला क्या है कि यहाँ करना क्या, वो स्टेप बता रहे, डिवाइड करो, डिवाइड बाय एटॉमिक मास, ठीक है, क्या चीज से डिवाइड करो, एटॉमिक मास, डिवाइड ईच एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक मास, ठीक है। पहला स्टेप में सबको एटॉमिक मास से डिवाइड करो, तो स्टेप चेंज किए 40 बाय 12,
6.70/1 53.3। अब एक चीज बता देते, बहुत बच्चा को तो बनाते बनाते याद हो गया होगा, ठीक है, और बहुत बच्चे को अभी भी याद नहीं होगा क्योंकि वो बनाया नहीं है। तो जो जो बच्चे को याद हो गया है तो सबको दिख रहा होगा हम यहाँ पे उसके क्या चीज से डिवाइड किए हैं, एटॉमिक मास से या वेट से। अब यहाँ पे बहुत को ये नहीं पता है कि रिलेटिव एटॉमिक वेट और रिलेटिव एटॉमिक मास क्या, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जो तुम्हारा पहला मोल में था। तो देखो यूज तो है उसका कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम डायरेक्टली तुमको आज यहाँ पे पढ़ा नहीं रहे, मतलब थ्योरी नहीं बता रहे, सीधे क्वेश्चन बनाने का तरीका बता रहे। दो चीज पे डिफरेंस कर लो क्लियर अपना, आर ए एम आर एम एम, भैया लिखते यहाँ पे ओ, यहाँ पे लिखते ओ टू, भैया आर ए एम बोले तो 16 × 2 = 32। ऑक्सीजन का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, वो आएगा तुम्हारा जब हम मास मास रिलेशनशिप बनाएंगे तब हम लोग को निकालना पड़ता है उसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे हम लोग क्या चीज से डिवाइड करेंगे, एटॉमिक मास से। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड नहीं करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे बताओ जल्दी से, एटॉमिक मास से। तो सबके एटॉमिक मास से हम डिवाइड कर दिए। तो जब ये बस एक यही स्टेप क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और कोई स्टेप में मेहनत नहीं करना है, इसी स्टेप में मेहनत करना है। और सुन लो सब बच्चा, कितने डेसिमल तक करेगा, 2 डेसिमल, कितने डेसिमल तक डिवाइड करके दिखाना है, 2। एक मिनट देख सब बच्चा, ठीक है। तो हम पहला स्टेप में क्या बताए जल्दी से बता, भैया आपको डिवाइड करना है क्या चीज से, सबसे पहला डिवाइड बाई इट्स ईच एलिमेंट, डिवाइड ईच एलिमेंट बाई इट्स एटॉमिक मास, ठीक है, बाय इट्स एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, तुमको सब एलिमेंट को उसके ही एटॉमिक मास से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो बस एक यही स्टेप में मेहनत है, तो मेहनत करो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तुम लोग को कैलकुलेटर यूज करने नहीं बोल रहे, तो ये जो डिवाइड कर रहा है तो भैया साफ सा दिख रहा है 12 3 जा कितना होता है, 3 point something आएगा, तो 3.33 आ रहा है, ठीक है। अब इधर 6.7 भैया देखिए क्या मजाक करते हैं, डिवाइड बाय 1 है तो सीधे क्या आ गया 1, 16 यहाँ पे 48 3 बार में आ रहा है तो ये भी समथिंग 3.3 आएगा, तो ये कितना आ रहा है, वही आ रहा है 3.33, ठीक है। तुम लोग एग्जैक्टली कर लेना, कोई भी बच्चा यहाँ बैठ के राउंड ऑफ या अपना दिमाग नहीं लगाएगा, ठीक है। बहुत बच्चे यहीं पे राउंड ऑफ कर देता है, नहीं करने का होता है, ठीक है, जो आया रहने दो। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, डिवाइड कर लिया, सेकेंड स्टेप में हम लोग को बस यही करना है कि अगेन डिवाइड ईच एलिमेंट बाई दी स्मॉलेस्ट आउटकम, बाई दी आउटकम, भैया व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉलेस्ट आउटकम, तुम लोग जो डिवाइड करके रिजल्ट निकाला उसमें सबसे छोटा वैल्यू क्या आ रहा है, 3.33, सबको 3.33 से फिर से क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो थ्री अगला स्टेप में करना है, यही मत करने लग जाना, 3.33 6.70/3.33 और 3.33 डिवाइडेड बाई 3.33। सब बच्चा लोग देखो और बात मत करो, ऑब्वियस सा बात है भैया, आप देखो ये जो आ रहा है एकदम एग्जैक्टली 1 आ रहा है और ये भी कितना आ रहा है, 1, और ये देखो इसको कितने बार में आएगा, 2। तुम्हारा एग्जैक्टली वैल्यू जो आएगा वो चाहे तो 2 आएगा या 2.5 2.6, यहाँ तुमको वैल्यू बस दो ही लेना पड़ता है, ठीक है। देख तो यहाँ पे तुम लोग अगर देख रहे हैं तो तुम्हारा वैल्यू क्या आ गया, 1, 2 और 1। अब यहाँ पे हम दिखा देते, चलो ये तो मेरे पास एक क्वेश्चन का आंसर आया, किसी क्वेश्चन में आ गया भैया क्या 2.6 आ रहा है, ठीक है, नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन देता ही नहीं, वो आएगा 2.5 ही आएगा, क्या आ रहा है 2.5, तब क्या करें। तो रेशियो में क्या करते थे भैया, हम लोग इसको क्या चीज में से मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको 2 से, खाली इसको 2। बहुत बच्चा अभी भी कंफ्यूज रहता है और 3 कर देता है, इसको वो गलत कर दिया, उसका पूरा मेहनत बर्बाद, उसको क्या सबको रेशियो है तो सबको सेम नंबर से क्या कर देना, फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो फैक्टर कौन होता है 2, तो सबको मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 यहाँ पे और यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, लेकिन यहाँ 2.5 नहीं आ रहा है, यहाँ तो भैया हम लोग का एग्जैक्टली कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो चलो पहले ही आया। अब ये जो नंबर आया 1, 2, 1, दिस इज योर इंपेरिकल फॉर्मूला, ये क्या है इंपेरिकल फॉर्मूला, कितना आ रहा है बताओ, सी एच भैया 2 आ गया और O कितना आया, CH2O। अब वेट करो, अब इसमें दूसरा चीज क्या काम है, तुम लोगों को बोला ना मॉलिक्यूलर मास वेपर डेंसिटी आ रहा है, तो तुमको बताते एक चीज कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो 2 × वेपर डेंसिटी होता है, सब बच्चा इसको नोट करना इसके बाद, ठीक है।
इसके बाद सब बच्चा नोट करो कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 2 इनटू क्या होता है वेपर डेंसिटी, जैसे लिखा रहे वैसे ही लिखोगे तब मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 2 इनटू क्या होता है वेपर। बहुत सारे क्वेश्चन में क्या हर क्वेश्चन जो भी आएगा उसमें तुमको वेपर डेंसिटी देना ही पड़ेगा, या नहीं तो डायरेक्ट क्या दे देगा मॉलिक्यूलर मास, या डायरेक्ट क्या दे देगा, क्योंकि हमको भैया मेरा लास्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, जो बच्चा लोग यहाँ पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है यहाँ तक कर देगा उन लोग को 1.5 मार्क्स मिल ही जाएगा या 2 मार्क्स तक मिल जाएगा जो बच्चा यहाँ तक बना देगा, क्योंकि तुम इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल चुका है। अब इधर आता है तुम्हारा, तुमको क्या निकालना है मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो मॉलिक्यूलर मास के लिए आपको क्या फॉर्मूला बता रहे भैया 2 वेपर डेंसिटी। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या आ रहा है मॉलिक्यूलर मास, तो देखें तो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि द वेपर डेंसिटी इज 30, वेपर डेंसिटी इज 30, तो भैया उसके अकॉर्डिंग 2 × 30 ये कितना आ गया 60। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला वेट निकालेंगे, क्या निकालेंगे तुम लोग पूरा लिख लेना अपने कंफ्यूज मत होना, इंपेरिकल फॉर्मूला वेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भैया ये चीज देखो सब बच्चा, भैया CH2 आया था आपका, हम लोग सब जानते कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस H कितना है 2, तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16। ठीक है, तो कितना आ गया, कितना आ गया 30 आ गया। ठीक है भैया 12 प्लस 2 यहाँ पे 14 प्लस 16 30 आ गया, तो इंपेरिकल फॉर्मूला वेट कितना आ गया 30। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं N निकालते हैं। N क्या होता है, N जो है ये होता है मॉलिक्यूलर मास बाई इंपेरिकल फॉर्मूला वेट। ठीक है, ये वो कॉमन फैक्टर है जो कैंसिल करते थे हम लोग, जैसे यहाँ पे C6H12O6 था तो इसमें N का वैल्यू कितना था 6 था, N का वैल्यू कितना था 6, तो यहाँ पे वही ये N अब निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वही N हम लोग निकाल रहे हैं, N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय इंपेरिकल फॉर्मूला वेट। अब चलो ये मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है तुम लोग कितना निकाला है 60। एक और चीज बताते, तुम्हारा क्वेश्चन में हमेशा ऐसा ही वैल्यू देगा जो एकदम परफेक्ट नंबर कटेगा। ठीक है, वो हमेशा 2, 3, 4 ऐसा ही नंबर आएगा, ये बात भी ध्यान रखना। तो तुम अगर कहीं गड़बड़ कर रहे हो तो देखना वो कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पे ये कभी भी तुम्हारा फ्रैक्शन में नहीं आता है, ये हमेशा एक क्या आएगा तुम्हारा नेचुरल नंबर आएगा, ये क्या आएगा तो कितना आ गया 2। तो ये एन वो कॉमन फैक्टर। बस अब एक लास्ट स्टेप बचा है, क्या है भैया के पास यहाँ पे जगह नहीं बचा, क्या कर देते देख भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसे लिख रहे ऐसे दिखाना इज इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला सबस्क्रिप्ट एन। वो एन क्या है कॉमन फैक्टर, इंपेरिकल फॉर्मूला मेरा क्या आया था CH2O, लिख देते हैं CH2O और यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या था 2। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो भैया, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये से, तो C2H4O2 ये बन गया तेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मिल जाएगा तुमको। 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और एक चीज बताते तुम लोग को, ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा है ना, ठीक है बताओ ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आपसे यहाँ पे क्या पूछ लिया आप लोग से कि बताओ ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कहाँ से भी आप ऑर्गेनिक घुसा दे रहे हो, अरे आएगा। ठीक है, जब सब कुछ पढ़ा दिया तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो दिमाग लगा यहाँ पे। उस समय हम तुमको बोले थे कि O2 फॉर्मूला नहीं बताएंगे तुम लोग को, अब यहाँ पे फॉर्मूला अगर याद रहता तो तुम लोग बना देता। सबसे पहला तुम लोग फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा पढ़ा है, OH एक हो, CHO एक हो, कीटोन एक हो, भैया COOH कितना हुआ रहा है 2, तो कौन सा ग्रुप है ओइक एसिड है भैया। तो देखिए भैया आप कार्बन कार्बन लगा दीजिए, एक OH आ गया और एक क्या आ गया डबल बॉन्ड आएगा एक, यही ना होता है फॉर्मूला। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है COOH का। अब बचा क्या तुम्हारा 3H, 1, 2, 3, तो बता इसका नाम क्या है, 2 कार्बन है ना, तो क्या नाम हो गया एथेनोइक एसिड है, एथेनोइक एसिड है। क्यों नहीं पूछेगा, एक मार्क्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि तुम्हारा घुसा दिया नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये क्या बना, नेम दिस कंपाउंड, तो ये कंपाउंड क्या है एथेनोइक एसिड है, क्या है एथेनोइक। ठीक है, हमको नहीं पता तुम लोग के क्या टीचर क्या बता रहे हैं, ये हम तुमको बोर्ड्स के हिसाब से बता रहे हैं, ये क्वेश्चन आता है और ऐसा पूछता है। ठीक है, एक ईयर पूछा हुआ है, हमको ईयर याद नहीं है लेकिन हाँ ये आया हुआ है। तो देख ले यहाँ पे इथेनोइक एसिड हो गया, ये क्या हो गया इथेनोइक एसिड, समझ में आ गया सबको। ठीक है चलो, ये बात तो पार्ट बाद का पार्ट है, यहाँ तक तो समझ में आया ना क्या क्या करना है, एक बार फिर से सुन लो। सबसे पहले जो भी कंपाउंड है वो लिख लेते हैं, नंबर एलिमेंट्स है,
उसको डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास कर दिए, फिर जो आउटकम आया सबसे स्मॉलेस्ट उसको सबसे डिवाइड कर दिए, फिर भैया क्या किया एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लिए, निकल गया। अब हमको वेपर डेंसिटी दिया रहेगा तो मॉलिकुलर मास निकालेंगे, बगल में साथ ही साथ एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट भी निकालेंगे, फिर एक कॉमन फैक्टर निकालेंगे जो निकल गया बाय मॉलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। फिर लास्ट में क्या करते हैं कि मॉलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू क्या होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला सबस्क्रिप्ट एन कर दिए, जो वैल्यू आप निकाले थे भैया यहाँ पे वो यहाँ पे पुट किए और आंसर निकाल के लिया। चलो ये तो एक चलो एक ऑप्शनल क्वेश्चन आ गया कि हाँ ठीक है ऐसा है तो तुम लोग देख सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम तुम लोग को एम्पिरिकल फॉर्मूला का एक क्वेश्चन देते हैं पहले, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन खत्म, ठीक है। तो क्वेश्चन किस ईयर का बना रहे हैं हम लोग, 2019 का स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। कार्बन कितना परसेंटेज दिया था 57.82, हाइड्रोजन हमको बोला रेस्ट इज हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन कितना दिया था 38.58, तो बचा हाइड्रोजन दैट इज 3.6। क्या किया भैया इन दोनों को जोड़े और 100% से माइनस कर दिए, 57.82 प्लस 38. क्या कर दिए 58, जब किए तो देखते क्यों, क्योंकि 100% होता सब जानते हैं, तो ये आ गया 3.6 आ गया पहले से, तो बोले ही थे तुमको देखो एक क्वेश्चन मिल भी गया वैसा, ठीक है चलो ये भी हो गया, बहुत बढ़िया भैया। अब आगे क्या करें, अब तो क्वेश्चन स्टार्ट ही हुआ है यहाँ से, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ भैया, फिर बोल रहे डिवाइड ईच एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक मास, तो कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। थोड़ा सा ऐसे ही सोच, 12 से 57, ठीक है, 4 जा कितना 12 4 जा 48, ठीक है, और 12 5 जा 60, तो 60 के ज्यादा क्लोज है, कितना आया डिवाइड करने पे 4.80 आ रहा है, ठीक है 4.80 आया, 16 2 जा 32, ठीक है भैया, और 16 3 जा 48, तो 2 पॉइंट समथिंग आने वाला है, कितना आया 2 डेसिमल प्लेस तक, हमेशा ध्यान रखना है 2 डेसिमल प्लेस तक बनाना है, 3 पॉइंट भैया तो यही रह जाएगा। अब क्या है सबसे छोटा नंबर 2.40, देखो अब क्या चाहिए तुम लोगों को बता 2.4। अब देख यहाँ पे भैया यहाँ पे 0.0 का ऐसे ही कोई वैल्यू मतलब नहीं है, 24.48 तो लग रहा है कट रहा है, ठीक है कितने बार में 2, ये भी भैया 1, अब ये तो कट नहीं रहा भैया, पॉइंट रहा है 3 बार में और 2 बार में, तो 3/2 हम सब जानते हैं कितना होता है, आ गया ना वैल्यू 1.5। अब क्या करेंगे इसको 2 कर देंगे, नहीं कॉमन फैक्टर यहाँ पे भैया देखिए 1.5 आ रहा है, रेशियो है, सबको इससे क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ताकि यहाँ पे इसको क्या चीज बना रहे, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, 4:2:3 भैया क्या आया C4H2O, सॉरी पहले वो था ना, तो O लिखेंगे C4O2 और H3, कोई दिक्कत है, ये आ गया इंपेरिकल फॉर्मूला, ले तेरे को 2 मार्क्स दे दिया बोर्ड वाला, ठीक है इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा था ऐसे ही निकाला। अब आता है इसके बाद क्या, आप तो मॉलिकुलर मास दिया हुआ है 166, ठीक है वेपर डेंसिटी वाला तब लगाते थे जब नहीं दिया रहता था मॉलिकुलर मास, यहाँ दे दिया तेरे को मॉलिकुलर मास, तो क्या निकालेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला वेट, कैसे निकाले भैया 4 × 12 कहाँ से ले रहे सब भैया, बुक में दिया रहता है और बनाए रहते तो तुमको याद भी हो जाता एक चीज, लेकिन चेक कर लेना कभी कभी वैल्यू चेंज कर सकता है वो लोग, तो वो जो वैल्यू थे उसके अकॉर्डिंग लेना है, तो 12 प्लस ऑक्सीजन का 2 × प्लस हाइड्रोजन का 3 × कितना आ रहा है 83, ठीक है तो जोड़ लो इसको मल्टीप्लाई कर लो 83 आ गया मॉलिकुलर मास, देखो एक डाटा भी वैसे देता है कि कट सके 33 2 जा 166, फिर क्या निकालेंगे यहाँ हम लोग को n निकालना है, क्या निकालना है क्या होता है mm by empirical formula way that is 166 by कितना आ गया, हम तो तुमको पहले ही बोले थे वैसे ही डाटा देगा कि कट सके, तो तुम सही बना रहे हो तो उससे भी पता चल जाता है तुम्हारा, ठीक है ना, तो आ गया इतना। अब भैया लास्ट स्टेप बचा है क्या करना, मॉलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू एम्पिरिकल फॉर्मूला सबस्क्रिप्ट एन, भैया यहाँ पे आप निकाले थे कितना C4O2H3O2 + 8 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन C8H6O4, ठीक है C8H6C8O4H6 जो लिखना लिखो उस पर कोई दिक्कत नहीं है, तो C8O4H6 ये तुम्हारा कंपाउंड बन गया, ऐसे CHO4 लिखो ज्यादा बढ़िया है, तो सी
8H6O4। क्लियर हो गया? तो ठीक है, तो यही चीज सुन ले। अब हम आप लोगों को बता रहे क्या चीज का क्वेश्चन बनाने, परसेंटेज कंपोजिशन इसी साल का दिखाएंगे तुम लोगों को। परसेंटेज कंपोजिशन में क्या करते हैं सुन, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, क्या ले लिए, सल्फ्यूरिक एसिड। अब बताओ मेरे को, नहीं ये नहीं लेंगे, बता दे कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, ठीक है, ये 100 आ रहा है, इजी रहेगा। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का कितना होता है 40, कार्बन का, ऑक्सीजन का, ये क्या लिख के दिए हैं एटॉमिक मास, रटा भी जाता बनाते बनाते, नहीं तो तुमको देगा लिख के, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो कैल्शियम इसका क्या निकालना है, परसेंटेज कंपोजिशन, और बताओ हमको कार्बन कितना है, इसमें कार्बन कितना पड़ा हुआ है, ठीक है, आउट ऑफ टोटल। तो पहले टोटल निकाल लो क्या, आर एम एम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या आ जाएगा बताओ, कैल्शियम का 40, कार्बन का, ऑक्सीजन का कितना आ गया, ठीक है, कितना आ गया 100। अब यहाँ पे देख 100 ग्राम, ओके, परसेंटेज। अब यहाँ पे हमको एक बात बताओ, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना, कार्बन है कितना, कैल्शियम नहीं कार्बन बोल रहे हैं, 12 है, कैल्शियम कितना है 12 है, ठीक है, भैया एटोमिसिटी पूछ रहे हैं, एटोमिसिटी कितना है इसका 1, ठीक है, तो 1 का कितना हो गया 12 डिवाइड बाई टोटल मास, दैट इज इनटू कितना आ गया, ठीक है ना। तो बस सिंपल सा चीज है, ऐसे करके बनाना है। अब देखो ये क्वेश्चन ही दे रहे हैं, देखो चलो कैल्शियम कार्बोनेट का हो गया ना यहाँ पे। अब एक चीज सुनो, इसी में हम तुमको थोड़ा सा एक और बात बताना चाहते हैं कि CuSO4.5H2O को अगर दे देते तो इसमें हम पूछ लेंगे व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो पानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो ये 5H2 है, ये डॉट क्या मल्टीप्लाई कर रहा है, नहीं भैया यहाँ पे, ठीक है, तो 5 होल ब्रैकेट 2 × 1 प्लस कितना हो जाएगा 16। तो ये चीज ध्यान रखना, तो परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तुमको निकालना है, तो जो भी ये आ रहा है डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे टोटल मास इनटू क्या कर देंगे 100। तो ये सिंपल क्वेश्चन सब है, एटॉमिसिटी पे बेस्ड है, जो तुमको बनाना है। 2 मार्क से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, कभी आ भी जाता है कभी नहीं भी आता है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये इतना सही है और कुछ भी नहीं। MCQ में पूछ सकता है सेक्शन ए में, या तुम्हारा पूछ सकता है 2 मार्क्स का सेक्शन ए में, या तुम्हारा सेक्शन बी में कहीं पे 2 मार्क्स का एक डाल देगा। तो ये सिंपल सा चीज है। अब जो मेन था वो इंपेरिकल है, और दूसरा है ये मास मास और मास वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या है भैया, ये चलो दिखाते हैं। कौन सा बच्चा तुम लोग को सिखा रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत 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 इजी है, ठीक है। टाइप 3 जो है क्या है, टाइप 3 अब है परसेंटेज कंपोजिशन के बाद, अब हम लोग को क्या करना है बताओ जल्दी से, अब हम लोग को बनाना है कौन सा क्वेश्चन, मास मास या मास वॉल्यूम, भैया ये क्या है रिलेशनशिप, ठीक है। तो हम पहले तुम लोग को मास मास बताएंगे और उसके बाद मास वॉल्यूम बताएंगे। तो एक्चुअली मोल में तुम लोग पढ़ा था, ठीक है, थोड़ा सा मोल का करवा देंगे रिवीजन, क्योंकि अगर मे भी क्वेश्चन आ जाए तो तुम लोग फंस होने, ठीक है। यहाँ पे तुमको सिखाते हैं कि कैसे इसको पहले सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले इसके लिए चाहिए हम लोग को एक इक्वेशन, Cu+H2SO4। सबको पता है ये एक खास टाइप ऑफ रिएक्शन है, वाई, क्योंकि ये भैया डाइल्यूट में रिएक्ट नहीं करता है, कंसंट्रेटेड, टेस्ट में भी दिए हैं तुम लोग को और बहुत बार आता है। तो क्या देता है बताओ, छोड़ो क्या दिया हुआ प्रोडक्ट, क्या देगा, प्लस प्लस, ठीक है, तुम लोग यहीं पे रुक गए थे। अब बात होता है इसके बाद क्या करना, बैलेंसिंग करना, क्या करना है बैलेंसिंग। तो बैलेंस करने के बाद यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे भी 2। सुन एक और बात बता देते, बोर्ड एग्जाम में बैलेंस करके देता है, बोर्ड एग्जाम में बैलेंस करके देता है, ठीक है, कुछ कुछ स्कूल में होशियारी दे देता है कि नहीं देंगे बैलेंस करके, करो वो भी अपने से, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि बैलेंस किया हुआ दिया है कि नहीं वो देख लेना, बोर्ड में तो अभी तक सब में बैलेंस करके दिया है और एटॉमिक मास भी दिया है, कॉपर सल्फर सबका एटॉमिक मास भी देगा, ठीक है। अब रुको यहाँ पे देखो, सबसे पहला चीज है मास किसका निकालते हैं, सॉलिड का कि लिक्विड का कि गैस का, सॉलिड का, ठीक है, और वॉल्यूम किसका निकालते हैं, लिक्विड का या गैस का। CuSO4 जो है यहाँ पे ये क्या है, सॉलिड, ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर और ये, ठीक है, दोनों का क्या निकालना हमको रहेगा, हमको मास। सल्फर डाइऑक्साइड जबकि भैया क्या है, गैस है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम। एक ही क्वेश्चन में दोनों बता देंगे, ठीक है।
और हम लोग मोल में पढ़े हैं कोई भी गैस एट एसटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है 22.4 लीटर। ये चीज ध्यान रखना, कोई भी गैस एसटीपी पे कितना वॉल्यूम एट एसटीपी, जो तुम लोग एक और चीज याद करो 22400 सीसी लिखते हैं, जो उसको क्या लिखते हैं 22400 सीसी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, तो बस इतना सही है और कुछ भी नहीं है, पक्का। तो यही बात बता रहे 22.4 लीटर एट एसटीपी और 22400 सीसी, खत्म हो गया। तो सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, और हम लोग सब जानते हैं कि एक लीटर इक्वल्स टू कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही सेंटीमीटर क्यूब को सीसी लिख रहा है। ओके, अब चलो इसको इनटू 1000 कर ले, तेरा यही वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो कोई भी गैस है एसटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, अब तुमको लिख देगा क्वेश्चन में मे बी पहले कि 1 मोल ऑफ गैस ऑक्युपाइज 24 सीसी या लीटर। ठीक है, 24 लीटर, तो तुमको कैलकुलेशन के मोटिव से उसको इजी किया गया है। 22.4 और 24 में इजी कैलकुलेशन किसका हो जाएगा, 24 का ही होगा भैया। ठीक है, तो वो सब चीज ध्यान रखना कितना डाटा बोल रहा है। अगर नहीं दे तो कोई भी मोल, कोई भी वॉल्यूम जो ऑक्युपाई कर रहा है एट एसटीपी कितना ऑक्युपाई करेगा कोई भी गैस 22.4 लीटर, कितना ऑक्युपाई करेगा 22.4 लीटर। ठीक है, तो ये चीज क्लियर रखेगा अपना। ठीक है भैया, अब इसके बाद देखिए भैया क्वेश्चन में क्या क्या डाटा देता है, क्या निकालना है, क्या दिया है, बस उन पे ही फोकस करना है, बाद बाकी सब बकवास है। यहाँ पे देखिए बोलता है कॉपर ऑन रिएक्टिंग विद कंसंट्रेटेड, हम लोग को पता है कंसंट्रेटेड में रिएक्शन होता है, डाइल्यूट में नहीं होता है, प्रोड्यूस यहाँ पे कॉपर 2 सल्फेट कर दिया। ठीक है, इफ 1.28 ग्राम ऑफ कॉपर, क्या दिया हुआ है उसको लिखो, 1.28 ग्राम ऑफ कॉपर लिख दिए यहाँ पे, कॉपर कितना दिया हुआ हम लोग को 1.28, जो दिया है उसके ऊपर लिखना, जो दिया हुआ है उसके ऊपर लिख दिए। अब सुनो यहाँ पे, टू बी कन्वर्टेड इनटू कॉपर सल्फेट, फाइंड द वेट ऑफ कॉपर सल्फेट फॉर्म, फाइंड द वेट ऑफ कॉपर सल्फेट फॉर्म। तो भैया वेट मांग रहा है ना, तो ये आपको मास दिया हुआ है, और क्या मांग रहा है, मास। तो क्या रिलेशन मांग रहा है, मास मास। अब रुको, अब जब भी ये रिएक्ट करेगा हमेशा ऐसे रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो एसटीपी पे जब रिएक्ट किया तो कितना था और ये कितना दिया पहले वो निकालो। ठीक है, कितना था और ये कितना, ठीक है, तो एट एसटीपी पे निकाल रहे कॉपर का हमको यहाँ बुक में होता है 63.5, लेकिन बुक में राउंड ऑफ करके लिख दिया है 64, बुक में राउंड ऑफ करके क्या दिया है, तो कॉपर जब 64 था तो इधर कॉपर सल्फेट कितना निकल रहा था, CuSO4, कॉपर का भैया 64, सल्फर का 32, और 4 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा 60, तो 64 प्लस 32 प्लस 60। देख हम लिखते भी कैसे, ये ध्यान दे रहा है तुम लोग, ठीक है, लिखने का तरीका भी देखो थोड़ा स्पेस, अपना प्रेजेंटेशन हम लोग बहुत मैटर करता है, हमेशा प्रेजेंटेशन लाइफ में बहुत मैटर करेगा, ये चीज को ध्यान रखना है। तो ये सबको सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है 107, तो भैया ये और ये। ठीक है, तो देखिए भैया एट एसटीपी पे हमको किसी से क्यों मतलब रखना, खाली यही है सर बोले हैं कि हमेशा क्या करो पूरा स्टेटमेंट लिखो। ठीक है, नहीं तो वर्टिकल तुम्हारे क्या बोले हैं, तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए मेरा क्या रहेगा, वर्टिकल लाइन रहेगा, कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग देखो क्या लिखोगे, 64 ग्राम ऑफ कॉपर रिएक्ट्स टू गिव, क्या लिख, पूरा लिखो, हम नहीं लिख रहे हैं, 160 ग्राम ऑफ CuSO4, हो गया यहाँ पे कोई दिक्कत। ठीक है, तो 1 ग्राम कितना देगा, 160 by 60, अभी पहले देख ले तुम लोग बाद में छापना, 64 जो है 160 दे रहा है, तो एक कितना देगा 160 by 64, तो मेरे पास कितना डाटा था, पूछ कितने का रहा था कि ये रिएक्ट करेगा तो ये कितना देगा, तो बस खत्म भैया, 1.28 ग्राम कॉपर है तो कितना देगा, 160 by 64 into 1.2। देखो अगर लग रहा है सब ये 4 से डिविजिबल है, सबका सब किससे डिविजिबल है, 4 से, किससे बोलना, तो पहले बड़ा नंबर बोलता है, बोलता 2 से डिविजिबल है, और बड़ा नंबर बोल 8 बोल दे, इससे अच्छा 16 है ना, 8 बोल दे, 16 से भी डिविजिबल है ना, 16 से कितने बार में 4, और 16 से ठीक है, उसको समझ नहीं आ रहा क्या हो गया, अरे 2 से करेगा बच्चा है क्या, मतलब 64 कर जो मन में आए कर। ठीक है, 3 ये कितना आ गया, 3.2 ग्राम आ गया, तो देख ले आंसर भी आ गया, यही करके आना है बोर्ड एग्जाम में तुमको। ठीक है ना, तो यहाँ पे सीखो ये मास से हम क्या निकाल लिए, मास, मास से क्या निकाल लिए, मास, क्लियर हो गया। अब भैया यहाँ पे पानी का तो वेट नहीं निकलेगा, पानी जो है यहाँ वेपर है, हम लोग गैस और जानते हैं, और जल्दी एप्लीकेबल ऑन गैसेस,
पानी ये लिक्विड है, ठीक है, इस पे हमको कोई कुछ पूछेगा ही नहीं कभी। अब यहाँ पे गैस लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, गैस। तो गैस का क्या निकालते हैं, वॉल्यूम। अब इसी क्वेश्चन में हम कंप्लीट करेंगे उसको, ठीक है। तो मास मास आ गया, अब हम बताएंगे मास वॉल्यूम। मास से भैया वॉल्यूम कैसे निकालते हो, तो सुनो कैसे निकालते हैं। मास से हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तुम लोग भी निकाल सकते हो, ठीक है, उसमें करना क्या है। तो भैया आप पहले एक तरफ बोल रहे हो मास मास, हाँ बोल रहे हैं, इधर मास इधर भी मास, ठीक है, और इधर क्या है, मास और वॉल्यूम। चलो अब हमको बताओ कोई भी गैस है एचटीपी कितना कंटेन करता है, 22.4। तो SO2 भी कितना करेगा, ये सब जो मास निकल रहा है ये सब इसके किस पे आ रहा है, एचटीपी पे आ रहा है, ठीक है, किस पे आ रहा है, एचटीपी। तो देख जब ये 64 ग्राम था कॉपर तो कितना वॉल्यूम ऑफ SO2 निकला था, ठीक है। अब भैया मान लीजिए यहाँ पे 2 आता तो कितना आ जाता, 2 × 22, लेकिन यहाँ पे बस कितना आया है, इतना आया। अब वेट करो, तो जब 64 था तो कितना निकला, जब 1 होगा तो कितना निकलेगा, एक चीज तुम लोग की और करें, ये ग्राम में है और ये लीटर में, तुम लोग देखना क्या होने वाला है। फिर ये ग्राम में आएगा, 1 ग्राम होगा तो कितना निकलेगा, 22.4 डिवाइडेड बाय, भैया आप रेशियो में पढ़ाए हो कभी भी, सेम क्वांटिटी यहाँ ग्राम में ले रहे, वॉल्यूम में ले रहे उसको, ठीक है। अब क्या करना है, कितना दिया हुआ है तुमको, 1.28, तो क्या आ जाएगा, 22.4 लीटर डिवाइडेड बाय 64 ग्राम इनटू 1.28। देखो ग्राम और ग्राम तो क्या हो गया, तो किसमें आने वाला तुम्हारा आंसर, लीटर है, लीटर आ गया वॉल्यूम, ठीक है ना। तो ये जो आएगा इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है वैल्यू, 3.92 आ रहा है, नहीं तो वॉल्यूम नहीं आ रहा होगा इतना, अच्छा ये क्वेश्चन अलग हम दे दिए थे, ठीक है निकाल लेते हैं। तो पॉइंट उड़ा लो, यहाँ भी पॉइंट उड़ा लो, सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा वो किसमें आ जाएगा तुम्हारा, लीटर्स में आ जाएगा, वही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आया समझ में, तो ये था मास मास और ये है मास वॉल्यूम। चलो कर ही लेते, 64 और 120 किससे कटता है, 64 से, ठीक है, 64 यहाँ पे कितने बार में कट रहा है भैया, 2 बार में, ठीक है, यहाँ पे 2 बार में। अब हमको खाली करना क्या है, 4 × 2 = 8, 2 × 2 = इतना आ गया, ठीक है, तो 448 लीटर आ गया, कितना आ गया, 448। पॉइंट भी उड़ाए थे वो छूट गया, ठीक है, यहाँ पॉइंट उड़ाए थे उसको भी नीचे डिवाइड बाय 100 होता तो 4.48 लीटर आ गया, हाँ ले लिया उसका, एक और आएगा, ठीक है, तुम्हारा 1.28 था वो सब, चलो बात का बात है, ये तो समझ ले, ठीक है ना। तो 0.448 क्या आ गया, लीटर आ गया, और कुछ चेंज ही नहीं कर सकता। अब बहुत बच्चा बैठ के वह सीख गए, सबसे पहले यहाँ पे फिर दो बात बता दे क्या, इसमें तुम लोग को दो चीज चेक करना है, मास निकालना है किसका, व्हाट मास ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड किसका निकालना है, ठीक है, बात बाकी से कोई लेना देना नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ किसका निकालना है, मीथेन का, ये सेकंड क्वेश्चन का, ये क्या किस क्वेश्चन से है, सेकंड, एक साथ दोनों नहीं बनाना है, अलग अलग बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दोनों में एक ही डाटा दे रखा है कि 12 ग्राम ऑफ क्या ले रखे है, एल्युमिनियम कार्बाइड, ये हमको कितना दिया हुआ है, 12 ग्राम। अच्छा अमिटा तो दिया, इसका वैल्यू बताओ तुम कितना दिए थे तुम लोगों, सब बच्चा गलती क्या चीज में किया वो सुनो, सब बच्चा गलती क्या चीज में किया है वो देख लो, हम तुमको पता है यहाँ गलती किया है तुम लोग, ये जो 4 है ये तुम्हारा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बुलाते हैं, तुमको आज तक पता नहीं था, सुन लो, जैसे मैथ में अगर लिखते हैं 2x² तो ये है दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ x², तो उसी तरह ये जो नंबर आता है बैलेंसिंग के लिए इसको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है, तुम लोग पढ़ोगे 11th में जाके। तो यहाँ पे ये जो 4 है तुमको बस इतना सा का मान दिया था, कितना दिया था, 78 दिया था, तो तुम लोग क्या करना भूल गया इसमें, 4 मल्टीप्लाई, तो ये करना चाहिए था, जो जो भूला उसके बोल रहे हैं। अब इसमें देख Al मास मास है, एक तरफ किसका और दूसरी तरफ किसका दिया हुआ है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का, जब भैया ये 144 था तो ये कितना प्रोड्यूस कर रहा था, 4 × 78, देखो मल्टीप्लाई भी नहीं किए, दिमाग लगाओ, एक चीज सीखो और सिखाते, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी नहीं किए, मल्टीप्लाई नहीं करने का कारण क्या है, देखना कैलकुलेशन में मदद मिलने वाला हमको, 1 ये कितना हो देगा, 4 × 78 / 144, समय बचाना है अपना, वो मांग ही नहीं रहा तो क्यों इंटू करना, तो 12 ग्राम क्या देगा, 12 ग्राम देने का सबसे पहले दिमाग में यही दिखता है कि 12 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 12 बार में कट गया, 4 से कितने बार में, 3 से कितने बार में, 26 क्या गया ग्राम बन गया मेरे को, 2 मार्क्स मिल गया, ठीक है।
कैलकुलेशन था ये सब, ठीक है। तो कंसेप्ट चेक कर रहा है, मैथ्स चेक नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सब यही बोलना चाहते थे, तुमको नहीं देगा वहाँ पॉइंट डेसिमल में फंस रहा है, जो बुक में फंसते हैं नहीं बनाते हो तुम लोग, उसमें कैलकुलेशन में फंसते हो, इसीलिए छोड़ देते हो आगे। लेकिन इजी क्वेश्चन सब देता है, ये सब रहेगा एग्जाम्स में, ठीक है। आ जाओ वॉल्यूम वाला। तो ये था मास मास, ये था मास मास, 2018 का पेपर है, ठीक है, देख लो। अब हम तुमको बता रहे मास वॉल्यूम, तो किसका वॉल्यूम निकालने बोल रहा है भैया, नहीं भी बताएगा तो सबको पता है मीथेन का ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि मीथेन गैस है, ये तो गैस नहीं था, ये क्या है, इसी का वॉल्यूम। तो एचटीपी पे कितना वॉल्यूम देता है, लेकिन यहाँ पे कितना इसका कोफिशिएंट है, एचटीपी पे 3 इनटू क्या देगा। चलो एक क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम तुमको बोल देते हैं कि इस क्वेश्चन में बोल देता कि 1 मोल कंटेंस कितना 24 करता, कितना कंटेन करता 24, 22.4 के जगह कितना ले लिए 24, ठीक है। 1 मोल में कितना गैस है यहाँ पे 24 दिया हुआ, तो 22.4 होता है, एक बार कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम चेंज किए, ओके। तो भैया यहाँ पे फिर से देखिए 144 था, तो कितना वॉल्यूम निकल रहा था 3 × 24, एक होगा तो कितना निकलेगा 3 × 24 / 144, फिर कितना ग्राम दिया हुआ है 12, तो 12 होगा तो कितना निकलेगा 3 × 24 / 144 × 12, यही ना, यही ना। तो फिर देख 12 से कितने बार में, दो बार में, 3 × 2 = 6, क्या आ गया आंसर, ठीक है ना। तो देख ले यही चीज बताना, तो अगर कोई 22.4 लीटर लेके बना है, तो कैलकुलेशन बताए ना तुमको, कैलकुलेशन इजी हो, क्वेश्चन को अगर 22.4 लीटर लेके बनाता तो 5.76 लीटर था, 5.66, ओके 5.6 लीटर आता, ठीक है। तो अगर जो बनाया उसको बता रहे,